अयोध्या में नाबालिग के साथ हुए रेप के मामले में अब पुलिस दोनों ही आरोपियों के मोबाइल फोन के जरिए इस मामले में और नए सुराग ढूंढने की कोशिश कर रही है। ये माना जा रहा है कि अयोध्या मामले में अब आरोपियों के मोबाइल कई नए राज खोलने वाले हैं और मोबाइल की जांच के जरिए इन दोनों ही आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने जिस तरीके की जो अब तक कार्रवाई की है और जो चार्जशीट तैयार की जा रही है उसे और पुख्ता और ज़्यादा मजबूत बनाया जाएगा। आखिरकार इन दोनों आरोपियों के मोबाइल में ऐसे कौन से राज हैं जिनका खुलासा उसकी जांच के बाद पूरा होगा, आपको बताते हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश की इस खास वीडियो रिपोर्ट में। इस पूरे मामले की FIR के मुताबिक पीड़िता की मां ने जो FIR दर्ज कराई है उसमें जानकारी मिली कि पीड़िता को जब पहली बार बहला फुसला कर ले जाया गया और उसका दुष्कर्म किया गया तो उस पूरे मामले का वीडियो बना लिया गया था और इस वीडियो के आधार पर दोनों ही आरोपियों ने कई बार उस पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया है। अब पुलिस मोबाइल फ़ोन में उस डेटा को, उस तमाम वीडियो को और साथ ही साथ तमाम कॉन्टेक्ट्स को खंगाल रही है जिससे ये पता चल सके कि आखिरकार पहली बार जब दुष्कर्म पीड़िता के साथ हुआ उसके बाद इन आरोपियों ने किन लोगों से संपर्क किया, उस वीडियो का किस तरीके का इस्तेमाल किया, क्या उसे कहीं भेजा और अगर भेजा तो किसे भेजा और किस तरीके की बातचीत उस दौरान हुई, क्या क्या मोबाइल में उनके पास डेटा था और कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके मोबाइल में इस तरीके के और भी डेटा मिले। इन तमाम एंगलों पर पुलिस ने जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को लगा दिया है, साथ ही साथ कई एक्सपर्ट्स भी अब आरोपियों के मोबाइल की जांच कर रहे हैं। अयोध्या पुलिस की ओर से दोनों ही आरोपियों के मोबाइल की फॉरेंसिक जांच कराने के साथ साथ मोबाइल फ़ोन का जो तमाम डेटा है उसकी जांच भी कराई जा रही है। CDR और बैकअप की भी जांच कराई जा रही है कि क्या मोबाइल के डेटा से किसी तरीके की कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई और अगर की गई तो वो भी कितनी बार, कब की गई, इसकी जानकारी पुलिस को मिल सके। इसके साथ ही साथ मोबाइल फ़ोन का बैकअप यानी कि अगर उसे कहीं और स्टोर किया गया उसमें मौजूदा जानकारी को तो उसके बारे में भी जानकारी मिल सके, पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। एक सर्विलांस टीम इस बात की भी जांच कर रही है कि पहली बार इस घटना को अंजाम देने के बाद ये दोनों आरोपियों ने कहाँ कहाँ रेकी की, कहाँ कहाँ वो गए, कहाँ कहाँ उन्होंने मदद मांगी या छुपे रहे, एक तरीके से उनके मूवमेंट और लोकेशन की जांच हो। पुलिस की इस जांच में एक बात और साफ है कि अगर इन दोनों ही आरोपियों ने अपने मोबाइल के डेटा से या स्टोरेज से किसी भी तरीके की कोई भी छेड़छाड़ की होगी तो वो भी पुलिस को इस पूरी जांच में, जब वो CDR की जांच करेगी, डेटा रिकवरी की जांच करेगी, बैकअप की जांच करेगी, स्टोरेज की जांच करेगी या फिर जो फॉरेंसिक जाँच होगी उसमें सब कुछ निकल कर सामने आ जाएगा। पुलिस की केस डायरी इन दोनों आरोपियों के खिलाफ और मजबूत हो सके उसी के लिए पुलिस इस मामले में अब मोबाइल फ़ोन की जांच कर रही है। साथ ही ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि उस वीडियो का क्या कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं हुआ और उस पीड़िता के क्या कोई और ऐसे वीडियो तो इन आरोपियों के पास नहीं है और या फिर उन्होंने वो वीडियो किस किस को भेजे, किन लोगों से संपर्क में रहे, इन तमाम जानकारियों को कि क्या दो से ज़्यादा आरोपियों की या किसी और की संलिप्तता भी इस पूरे मामले में हो सकती है, जांचने के लिए पुलिस ने मोबाइल फ़ोन को खंगालने का जिम्मा उठा लिया है। आपको बता दें कि अयोध्या में दौरे पर गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित समाज से भी मुलाकात की थी। वो पीड़िता के परिवार से पहले ही राजधानी लखनऊ में मिल चुके थे। इस बार 15 मिनट तक जो उनके समाज के प्रतिनिधियों से बातचीत हुई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर ये दोहराया कि वो पीड़िता के साथ हैं, सरकार उस परिवार की पीड़िता की सुरक्षा और उसके स्वास्थ्य की सर्वोच्च चिंता कर रही है। पीड़िता के समाज ने भी जो कार्रवाइयां अब तक हुई है उस पर संतोष जाहिर किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी उठाया था और समाजवादी पार्टी पर निशाना भी साधा था। उसके बाद से अब तक लगातार कई सारी कार्रवाइयों के क्रम में वहाँ पर कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया गया। जो आरोपी मोहित खान है उसकी संपत्तियों पर बुलडोजर भी चला और अब पुलिस मोबाइल की जानकारियों को निकालने के साथ इस पूरे मामले की अपनी केस डायरी को मजबूत करने के साथ साथ और भी अन्य लोगों के जुड़ाव होने की किसी भी आशंका को देखते हुए इस जाँच को करने जा रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि अयोध्या में नाबालिग के साथ जो दुष्कर्म को अंजाम दिया गया है उसे न्याय दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसीलिए कुछ दिनों पहले
उस पीड़िता का लखनऊ में गर्भपात कराया गया। डॉक्टरों की निगरानी में ये पूरी प्रक्रिया हुई और उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ही उसे लखनऊ शिफ्ट किया गया था। अयोध्या मामले से जुड़ी तमाम जानकारियां अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर हम लेकर आपके बीच आ रहे हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी और इसके अलावा क्या कुछ ऐसा है जो आप अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर देखना चाहते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमसे ज़रूर जाहिर करें और साथ में अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।